सो वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो भाई आज तो मोमेंट है, मोमेंट जश्न वाला दिन है, ये सिर्फ जश्न बनाओ क्योंकि भाई चेंज और ये लोग इनका सब तो मतलब इनका तो आज मतलब शक्ल देखने लायक होगा क्योंकि चीज़ें वैसी हो रही है, रिकॉर्ड्स बन रहे नहीं रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन्स बन रहे हैं। और अच्छे दिन तो अपना उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन अपना पठान का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन से अच्छा दिन चालू हो गया था। तो क्या सीन है, इट्स अ माइलस्टोन, इट्स अन रिकॉर्ड, इट्स अन हिस्ट्री कि फिल्म रिलीज। ये लोग अभी भी वो 1940 के मूवी का मतलब पकड़ के बैठे हुए हैं, 1940-1910 के मूवी के रिकॉर्ड्स को पकड़ के बैठे हुए हैं। भाई नए नए चीज़ आई है, नई नई चीज़ों ने रिकॉर्ड बनाना चालू किया, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो। क्रिंज चीज़ को ही देख कर पकड़ कर बैठे हुए, चलो वो ठीक है, वो सबका अपना अपना चॉइस है, चलो ठीक है, हमारा अपना चॉइस है, उनका अपना चॉइस, ठीक है कोई बात नहीं। अगर खराब हुआ तो रोस्टिंग करने के लिए सही है, दोनों फिल्म कोई भी हो, किसी की भी फिल्म हो, खराब हो तो रोस्टिंग तो जरूर करेंगे, तो अच्छे चीज़ों को साइड का। तो रिकॉर्ड, इट्स एन रिकॉर्ड कि गेटी गैलेक्सी, वो चेंज और नहीं आएगा वहाँ में, वो नहीं आता, वो बंदा बेवकूफ़ बनाता है, वो सबको पहनाता है क्योंकि वो पूरी की पूरी यूनिवर्स टीम में से 20 से 30 बंदे ऐसे जो मेरे जानते वाले लोग हैं, सबके सब ने एक ही चीज़ कही थी जब मैं मुंबई में गया था, तो उस टाइम पे बंदों ने कहा था कि भाई वो आया ही नहीं, वो आता ही नहीं है वहाँ पे, वो झूठ मूठ का फ्रॉड रिव्यू देता है वो। गेटी गैलेक्सी में इट्स अ रिकॉर्ड कि 31 से 35 दिन पहले किसी फिल्म का फर्स्ट डे का सारा शोज हाउसफुल हो गया, फर्स्ट डे का सारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट शो नहीं बोल रहा हूँ, सुबह 9 बजे का सारा शोज हाउसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड वो सिर्फ फर्स्ट डे का नहीं है, सेकंड, थर्ड, टोटल पूरा का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे के जितने भी शोज है उसमें कितना लाइक 1200 सीट्स कुछ है टोटल मिलाकर, सारे स्क्रीन्स वगैरह के अंदर टोटल मिलाकर 1200 सीट्स है, उसमें से जितने भी सीट्स हैं, जितने भी शोज है, सारे के सारे शोज हाउसफुल हो गए भाई जवान के क्या बोलूं भाई इसके आगे क्या ही बोलूं, मतलब वो वहाँ माँ बहन कर रहा है, मैं यहाँ माँ बहन कर रहा हूँ सबका सब भाई। 2023 मैंने बोला, कई मेरे पिछले साल से बोला था, 2023 अपन दोनों का, किसी का साल रहो ना रहो, सबसे बड़े स्टार और सबसे बड़े स्टार का सबसे बड़ा फैन का तो साल ही रहेगा ये 2023, मैं भी यहाँ माँ बहन कर रही रहो सबका खत्म हो गया सब कुछ, मेरा भी तब खत्म, मर गए सब। तो सीन ऐसा ही है कि भाई चीज़ें मतलब रिकॉर्ड्स नहीं, अब तो सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन्स बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन्स है, ये एक माइलस्टोन ही है क्योंकि थिएटर के क्या नाम है इसका, उनका मनोज देसाई जो है, उन्होंने खुद आकर एक कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कुछ तो वीडियो क्लिप वगैरह बनाया उन लोगों ने, तो उसमें खुद कहा कि ये हिस्ट्री में, ये पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिल्म रिलीज होने के लिए अभी भी 1.5 महीने बचे हुए हैं एंड उसके पहले ही सारे शोज को हाउसफुल कर दिया गया है मुंबई का सबसे बड़ा थिएटर में, सबसे बड़े थिएटर के अंदर में, मतलब 1200 का कैपेसिटी वाले थिएटर के अंदर जितने भी 3 दिन के सारे शोज को हाउसफुल कर दिए गए। तो भाई ये तो मतलब ये हिस्ट्री लिखेगी, फिल्म हिस्ट्री लिखेगी, नए नए पिल्ले पैदा हुए हुए, नए नए पिल्ले जो खुद को एसआर के फैंस, कुछ कुछ नए नए पिल्ले अभी पैदा हुए वाले पिल्ले, उन्होंने ज्ञान पिलने वाले, ये क्या है वो जिंदा बंदा में ये है, जिंदा बंदा में वो है, ये नए नए जो फर्जी फ्रॉड फैंस बनकर घूम रहे, ये अपन पुराने सारे एसआर के फैंस, यूनिवर्स फैन क्लब्स को सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये लोग बताते हैं कि जिंदा बंदा अच्छा गाना है कि खराब गाना है। तो इनके हिसाब से तो मतलब जवान तो पठान के सामने कुछ भी नहीं था, जवान ही जीरो फिल्म, बकवास फिल्म था जवान, कुछ किसी ने कहा कि जवान हैप्पी न्यू ईयर है, फैंस बनकर घूम ले ये लोग। तो उसी टाइम से सिंस 2021 जिस दिन ये पहला बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने अपने वो कीबोर्ड में बजाया था, जो पहले मैंने सुना था वो BGMs वगैरह, उसी टाइम में मैंने बोल दिया था खत्म कर देगा पठान जो रिकॉर्ड बना रहा है, वो रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए, वो रिकॉर्ड टूटेगा, वो रिकॉर्ड के बाद एक फिल्म आए। मुझे ये कन्फर्मली मैं ये नहीं कह सकता कि डंकी ऑल टाइम इंडिया के रिकॉर्ड में दोनों फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ी है, वो वर्ल्ड वाइड में तो उसको टच नहीं कर सकता, तो मेरे को पता है, बट इंडिया का नहीं पता। इंडिया में जवान जो है
खत्म कर डालेगी भाई, खत्म कर देगी कुछ कुछ। हाँ कुछ लोग अभी बस को लेकर रो रहे भाई। देखो बस बनाने के लिए है कि कुछ ना कुछ एक स्पार्क छोड़ने से और वो रील्स वगैरह से वो स्पार्क बनी रहे। वो बस का कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है कि वही फर्स्ट डे के तीन शोज, तीन दिन के सारे शोज हाउसफुल हो रहे हैं, तो उसको बस बस वगैरह की उस फिल्म को ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना उसमें वो हुस्न का जादू गाना भी डाल दो तो भी वो फिल्म 50 करोड़ की ओपनिंग हिंदी सिर्फ अकेला हिंदी बेल्ट से लेगी। तो वीडियो सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने टिकट बुक नहीं किया है, टिकट्स के काउंटर्स ये लोग फैन क्लब्स वाले खोल रहे हैं, टिकट्स बुक करो, करा दो 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़। ज़्यादा नंबर नहीं बोले, इतने एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं, कम से कम उससे 10 करोड़ नीचे तो नंबर्स आएंगे।